28 अगस्त आज ही के दिन एक साल पहले नोएडा के ट्विन टावर को गिराया गया था। 28 अगस्त 2022 को भ्रष्टाचार की कमाई से बने नोएडा के सेक्टर 93A में खड़े सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया था। 30 और 32 मंजिला इन गगनचुंबी इमारतों को बस चंद सेकंड्स में ही मिट्टी में मिला दिया गया था। बस एक बटन दबाते ही जोरदार धमाका हुआ और महज 60 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग धराशाही हो गई। 9000 से ज्यादा छेद कर 3700 किलो बारूद भर इस टावर को ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद तकरीबन 3 किलोमीटर इलाके तक धुएं का गुब्बार फैल गया। वहीं प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी फॉगिंग गन और 75 वाटर टैंक तैयार किए गए थे। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस इमारत को गिराने में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, जिसका खर्चा भी सुपरटेक को ही उठाना पड़ा था। आइए जानते हैं कि ट्विन टावर को गिराने में कितना खर्चा आया था और इस इमारत को गिराया क्यों गया था। ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए 3700 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल किया गया था। दोनों टावर को गिराने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इमारत को ध्वस्त करने की लागत करीब 267 रुपए प्रति वर्ग फुट बताई जा रही थी। इस हिसाब से 7.5 लाख वर्ग फुट के निर्माण को गिराने की लागत करीब 20 करोड़ रुपए हुई। इसमें विस्फोटक की कीमत भी शामिल थी। अब जानते हैं कि क्यों गिराया गया था ट्विन टावर। सालों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था। ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये अवैध तरीके से बनाया गया था। पहले ये लड़ाई नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई, इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों और गैर कानूनी तरीके से हुए निर्माण को मद्देनजर रखते हुए इन टावरों को गिराने का आदेश दिया था, जिसका सारा खर्च सुपरटेक कंपनी को उठाना पड़ा था। साथ ही नागरिकों को हुई परेशानियों के लिए सुपरटेक कंपनी को रेजिडेंस वेलफेयर फंड में 2 करोड़ रुपए जमा कराने का भी आदेश दिया गया था। कोर्ट का ये फैसला नागरिकों के अधिकारों की जीत थी।